नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गोरखपुर से गोवा जाना जा रहे हैं हम, और आ गए हैं गोरखपुर स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं हमारा बोगी नंबर है, हमारा बोगी नंबर है X6। तो दोस्तों चलिए सफ़र देखते हैं कैसा बीतता है। आज निकल रहे हैं मुंबई गोरखपुर से गोवा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं झांसी, और झांसी ट्रेन से उतर गए। यहाँ से ट्रेन हम लोग चेंज करने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ से चेंज होगा उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट गोवा जाने वाले हैं हम लोग। दोस्तों अभी देख सकते हैं जिस ट्रेन से आया था अभी ट्रेन जा रही है, और 4-5 घंटा बाद हमारा ट्रेन है। उसके बाद हम लोग झांसी से जाएंगे गोवा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मतलब 1-2 घंटे में पूना पहुंचने वाले हैं, और पूना से तब गोवा जाएंगे। अब दूसरा रात है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में ही अभी यहाँ ट्रेन महाराष्ट्र में ही चल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कि गर्मी होने लगा, गाँव में तो बहुत ठंडी पड़ रहा था। तो गाँव में फ़ोन किया था तो बोल रहे थे सवेरे 10 बजे तक, अभी धूप ही नहीं हुआ था, और यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। तो दोस्तों चलिए हम भी गोवा पहुँचेंगे तो दिखाएंगे। हम पहुँच चुके हैं पूना रेलवे स्टेशन, पूना आ चुके हैं। तो एक्चुअली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, फिलहाल गोवा पहुंच चुके हैं। स्टेशन का सीन नहीं दिखा पाए, लेकिन जहां पर हैं ये रूम वगैरह आप देख सकते हैं यहीं पर है। और जैसे गोवा ऐसा ना बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, और प्लस क्या बोलते हैं कि इतना झाड़ी ओड़ी है, इतना पेड़ पौधा है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है किसी बागीचे में आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि 10-15 मंजिले नीचे ऊपर नीचे ऊपर है। आप दिखाते हैं हम आपको सीन। ओह दोस्तों देखिए किस तरीके का है ये, और नीचे घर है, फिर पहाड़ है, फिर घर है, फिर पहाड़ है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर रूम है हम लोग का। और प्लस इस साइड में भी दिखाते हैं, ऐसे ही पूरा गोवा ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमको। जहाँ से मतलब स्टेशन से यहाँ तक क्या है, सब ऐसा ही पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों कितने लोग गोवा आए हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इधर रूम है, और हम लोग भी आए नहा वहाँ का फ्रेश हो चुके, और फिलहाल इधर भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों इधर भी सीढ़ी बनाया गया है, इतना ऊंचे पे हैं हम लोग। और गर्मी बहुत है, गांव में तो बहुत ठंडी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है जाने के लिए नीचे, फिर नीचे भी घर है, ऊपर भी घर है, इधर देखिए पूरा घर ही है। और देखिए इस ऐसे जब देखेंगे और नीचे चलते हैं दोस्तों, और इधर देखेंगे तो देखिए दोस्तों किस तरीके का शहर लग रहा है। ऐसे ही पूरा का पूरा ऐसे पेड़ पौधा लौकेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर पे मतलब रास्ता भी वैसा ही है, कभी पहाड़ पे चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जगह है, अच्छा भी लग रहा है। जैसे एकदम ठंडी ठंडी, जितना गर्मी धूप बहुत तेज है, जितना गर्मी लगता है ना उससे अच्छा पौधे से उतना आराम मिल जाता है पेड़ पौधे से। तो दोस्तों चलिए आज का मेरा यही ब्लॉग था।
पूरा।